नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा वही जो हमारा सीपीयू होता है, जिसे कॉमनली हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। यह कंप्यूटर का क्या होता है, मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग यानी ये यही इसी को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर में किए जाने वाले सभी कार्यों को सीपीयू मैनेज करता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही सारे कंप्यूटर की जितनी भी वर्किंग है उसको मैनेज करता है। पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू में एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्यों होता है, प्रोसेसिंग करने के लिए। सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर पर तीन भागों सीयू और एएलयू, जिनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं ब्लॉक डायग्राम में, का परिपथ होता है, यानी कि परिपथ यानी रास्ता होता है। माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा करता है कार्य, सीयू और एएलयू पर ही तो फंक्शन करता है, यानी कि सीयू एएलयू में जो भी चीज़ें निर्देश होते हैं उनको माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ही प्रोसेस में लाया जाता है। कुछ विकसित माइक्रो प्रोसेसर हैं हमारे इंटेल 4004, पेंटियम प्रो आदि। ये सारे हमारे क्या हैं, कुछ विकसित जिनके कॉमनली हम नाम हमेशा सुनते हैं, वो हमारे ये माइक्रो प्रोसेसर के नाम दिए हुए हैं। थर्ड है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, मेमोरी का मतलब क्या है, जो भी स्टोरेज के लिए यूज होता है। कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है, यानी कि जितना भी डाटा इंफॉर्मेशन होता है वो और निर्देश होते हैं उनको मेमोरी यूनिट में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटरों के मूल कार्यों में से एक अर्थात सूचना स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। यानी कि ये कंप्यूटर मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर के कॉमन कार्यों में से एक होती है, और ये क्या करती है, सूचना, यानी सूचना क्या होती है हमारी, जो इन्फॉर्मेशन होती है डाटा के रूप में उसे ये स्टोर करती है। और मेमोरी के मुख्य दो भाग होते हैं जो कि हम पहले भी ब्लॉक डायग्राम में पढ़ चुके हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और डिटेल में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या हो इस पूरे से, कोई भी क्वेरी एनी क्वेरी, तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू योर ऑल क्वेरीज।